हाँ नमस्कार छोटेलाल यादव जी, सलील यादव बात कर रहा था हिंदुस्तान हेडलाइंस नई दिल्ली से। अरे सलील जी नमस्कार। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है तो आप क्या देख रहे हैं कि जो नेता जनता के पास जाएंगे वो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के समक्ष? मुद्दा इस समय महंगाई है, जो आम जनमानस के लिए गरीब हो और पूंजीपति हो सबके लिए महंगाई जान खाए जा रही है। बेरोजगारी दूसरी, तीसरी हमारे बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा तो सबसे बड़ी प्रथा है। किसी गौशाला में आप जाइए, गौशाला में जाइए तो वहाँ एक तरफ गाय बैठी है, दूसरी तरफ उनको कुत्ता नोच रहे हैं। लेकिन सूबे की यूपी सरकार तो कहती है कि वो गायों के लिए पर्याप्त बजट दे रही है, उनके लिए गाँव में अलग से गौशालाओं का निर्माण कराया गया है जिसमें कि गायों को दिक्कत ना हो और किसानों को अन्नप्रथा से रियायत मिल सके। जी कोई कोई हम गांव-गांव जाके अभी देखते हैं और ये करते हैं, गांव में तालाब के भीटा में बाहर से तार खींच दिया गया, वहां गाय बेच दी जाती है, ना कोई उनको छाया है और ना कोई कुछ ऐसी व्यवस्था है, और जो है उसी प्यार में वो टट्टी करती है, उसी को खाती है बेचारी। और हमारे यहाँ नरैनी में अभी 40-50 गायों को जिंदा दफन कर दिया गया था, ये पूरे उसमें हम लोगों ने धरना प्रदर्शन न जाने क्या क्या किया, पर सरकार के जू तक नहीं रहेगा। जी ये प्रकरण काफी वायरल भी हुआ था कि बुंदेलखंड के नरैनी प्रांत में कुछ गायों को दफनाया गया था जिसमें कुछ गाय जिंदा भी थी। हाँ जिंदा थी, और जो विधायक है यहाँ के कबीर जी वो स्वयं वहाँ गए थे और वो चश्मदीद गवाह हैं इस चीज के कि गाय जिंदा दफनाई गई हैं। अच्छा एक बात आपको पर्सनल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप प्रतापा के पूर्व में लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं बांदा से, बांदा चित्रकूट लोकसभा से, और आगामी चुनाव में हम देख रहे हैं कि आप बबेरू 233 विधानसभा से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं प्रतापा के, तो समाजवादी पार्टी का और प्रतापा का गठबंधन हो गया है, अगर आपको प्रतापा मौका देती है चुनाव लड़ने का तो आप किन विकास कार्यों को समर्पित करेंगे जनता के लिए? देखिए पहली बात हम कहेंगे, हमारे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जी, मैं उनकी साथ काम करता हूँ, उनका एक पार्टी सदस्य हूँ, उनका एक सिपाही हूँ। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे वो हमें सर्वमान्य रहेगा पहली बात। फिर हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप जो है अपनी बूथ कमेटी सहित आप अपना जो है जमा करिए हमारे कार्यालय में और आपको चुनाव लड़ाया जाएगा 233 विधानसभा बबेरू से। मैं परमानेंट क्षेत्र में ही हूँ और क्षेत्र से लौट ही रहा हूँ। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य रहेगा। तो आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि किन विकास कार्यों की जरूरत है आपकी विधानसभा में, कि आपके विधायक बनने के बाद आपसे आशा करें कि ये विकास कार्य छोटे लाल जी करेंगे अपनी विधानसभा में विधायक बनने का? हमारे विधानसभा में पहली प्राथमिकता शिक्षा है, किसी भी गांव में किसी को जाइए तो एक अध्यापक 200 बच्चों को जो है छेके रहता है, और सिंचाई मेन चीज है और दूसरी पेयजल है, और सबसे बड़ी समस्या अन्न प्रथा है, जो रात भर आदमी अपने खेतों में पड़ा रहता है, घर की कोई चाहे चोरी करे तो जो है गायों की है अन्न प्रथा, सिंचाई है, पेयजल है, शिक्षा है, योजना इन्होंने चालू की थी बिजली योजना में, तमाम गांव में खाली मैं देखता हूँ खंभे भर खड़े हैं, वहाँ तार ही नहीं है, लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं, किसी का 10,000, किसी का 50,000, किसी का 60,000, किसी का 30,000, आदमी गरीब आदमी कहाँ से देगा? ये सब बहुत बहुत मुद्दा है जिसमें क्षेत्र में तो हम टहल ही रहे। तो क्या जो वर्तमान के विधायक हैं श्री चंद्रपाल कुशवाहा जी, तो उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया है क्या? उन्होंने कार्य क्या कराया है, वो सपा सरकार में अवकाशी पुल हमारे यहाँ बनने का जी, आज तक चंद्रपाल कुशवाहा जी न जाने कई बार मीडिया में दिया होगा, न जाने कितना क्या किया होगा, अपना जो है पुल तक नहीं अवकाशी का चला पाए हैं, अवकाशी है, दानव है, मरका है, तीनों अधूरे पुल ऐसे पड़े हुए हैं, जो मेन
एक जिले की कनेक्टिविटी दूसरे जिले की जब बढ़ती है तब ज्यादा मेरे हिसाब से विकास होगा, वो कनेक्टिविटी नहीं हो मिल पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए। जी 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 सलील जी, नमस्कार। नमस्कार।